दोस्तों, अगर आपका योनो SBI ऐप से लॉग आउट हो चुका है तो कैसे आप दोबारा योनो SBI ऐप में लॉग इन कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आज का वीडियो है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप दोबारा योनो SBI ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको योनो SBI ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरीके की बहुत ही अच्छा देखने वाला इंटरफेस आपके सामने आता है और यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, जितने भी आपको परमिशन मांगेगा सबको अलाउ कर देना है। और यहाँ पे आपको सिम को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी सिम आपको बैंक के साथ रजिस्टर है उसी सिम को इस हैंडसेट में होना चाहिए। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद ये आपका सिम कार्ड जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा बैंक के तरफ से। और फिर यहाँ पे इस तरीके का और एक पेज आता है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके का और एक पेज आपके सामने आता है, वहाँ पे लिखा हुआ कि आपके पास इंटरनेट बैंकिंग पहले से है, उसका आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे प्रोसीड कर देना है और यहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड डाल देना है। और ये जो रेफरल कोड है ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते, कोई इशू नहीं है। दोबारा आपका यूजर नेम पासवर्ड को आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। फिर यहाँ पे सबमिट का बटन है, उसमें क्लिक कर दीजिए। अगर आपका यूजर नेम पासवर्ड याद नहीं है तो मेरा आई बटन में एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, आपका यूजर नेम पासवर्ड रिकवर करना बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के यहाँ पे सबमिट बटन में क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा एक OTP, उस OTP को यहाँ पे एंटर कर देना है। अगर OTP नहीं आता है तो आपको यहाँ पे रिसेंट में क्लिक कर देना है। रिसेंट में क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास OTP क्यों नहीं आ रहा है। हो सकता है आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत हो, अगर गलत होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका यूजर नेम पासवर्ड गलत है। और आपके पास अगर OTP आ चुका है तो OTP यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे नीचे नेक्स्ट बटन है, उसमें क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कॉन्सेंट फॉर्म आएगा, यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ है MPIN सेट करने के लिए। और यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक पहले से किया हुआ है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके का और एक पेज आपके सामने आता है, यहाँ पे आपका MPIN सेट कर देना है, जिससे आप बार बार लॉगिन करने में आपको सुविधा होगी, बार बार आईडी पासवर्ड डालना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक MPIN 6 डिजिट का सेट कर लेना है, दोबारा यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे एक बार एंटर कर दीजिए, यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। ये पिन नंबर कॉन्सिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके नहीं होना चाहिए। तो पिन नंबर डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन में क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद इस तरीके का और एक डायलॉग बॉक्स आपसे सामने आता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से आप दोबारा आपका जो योनो SBI ऐप है उसमें लॉगिन कर सकते हैं। अगर लॉगिन करने में किसी भी तरीके का कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।